नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत की विदेश नीति से होड़ करने के चक्कर में पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी चारों खाने चित हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जाहिलों का प्रतिनिधिमंडल जो बड़ी उमंग के साथ मास्को के दौरे पर गया था, वह बड़ी बेइज्जती के साथ खाली हाथ लौटा है। रूस ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि मदरसा मुल्क को तेल बेचने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और वह अपना ध्यान सस्ता तेल खरीदने की बजाय कराची से लाहौर तक बनने वाली पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन पर लगाए, जिसे रूस के सहयोग से निर्मित किया जाना है। लेकिन पाकिस्तान अब उससे कन्नी काट रहा है। रूस में मदरसा मुल्क की इस बम पर बेइज्जती के बाद उन मुल्लाओं की छाती पर सांप लौट गए हैं जो तैमद उछालकर रूस को दोस्त बताते नहीं थकते थे। पूर्व पीएम इमरान खान भी काफी समय से उलाहना दे रहे थे कि उन्होंने रूस से किफायती तेल खरीदने की बात कर ली थी, लेकिन शहबाज सरकार अमरीका के डर से रूस से ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। दरअसल यह इन जाहिलों का एक तरफा गधिया नृत्य था। इन्हें लगता था कि ये नए तैमंद और टोपी पहनकर मास्को जाएंगे और फिर पीपे में तेल भरकर वापस लौट आएंगे। इन्हें जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था। इन्हें लगता है कि यूक्रेन की चोरी छिपे बम दिए जाने की पाकिस्तान की कारगुजारियों को रूस को शायद पता नहीं है, लेकिन रूस ने इशारों में समझा दिया कि भारत से इस भिखारी देश की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेच रहा है। यही वजह है कि जो रूस फरवरी महीने से पहले भारत को तेल बेचने के मामले में टॉप 10 पर भी नहीं था, वो अब नंबर 1 पर पहुंच गया है। रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदने की वजह से भारत को घरेलू तेल की कीमतों को संतुलित रखने में काफी मदद मिली है। इतना ही नहीं, भारत रूसी तेल आयात करके उसे अपने रिफाइनरी में परिषद करके यूरोपीय देशों को भी सस्ते दाम पर बेच रहा है। भारत की इस विदेश नीति की पाकिस्तान में भी काफी चर्चा हो रही है। हमें बड़ा नाराज हो के एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा, जी आप रशिया क्यों चले गए? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शन लगाने की, रशिया को प्रेशराइज कर। मदरसा मुल्क में भी रूसी तेल खरीदने को लेकर लंबे अरसे से राजनीति तेज रही है और यह भिखारी देश इस कोशिश में लगा था कि उसे भी रूस भारत की तरह डिस्काउंट पर तेल दे दे, लेकिन अब पुतिन ने जाहिलों को ठेंगा दिखा दिया है। पर यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के भिखारी मुल्ला यहां भी अपनी मुल्लागिरी दिखाते हुए इसे भी सब्जी का ठेला समझ रहे थे। मास्को में रूसी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में पाकिस्तान के अधिकारियों ने कच्चा तेल खरीदने की अपनी इच्छा जताई थी और रूस से करीब 30-40% तक डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदने की डिमांड रखी थी। मानो रूसी तेल खरीदकर पाकिस्तान मास्को पर कोई एहसान कर रहा है और रूस अपना तेल बेचने के लिए मरा जा रहा है। लेकिन रूस ने पाकिस्तान की मांग को एक बार में ही ठुकरा दिया है। यही नहीं, रूस ने मदरसा मुल्क को साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान को तेल नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी रूसी तेल का वॉल्यूम फुल हो गया है। यानी रूस जितने तेल का उत्पादन कर रहा है उसकी सप्लाई के लिए उसके पास पर्याप्त ग्राहक हैं। रूस द्वारा पाकिस्तान के प्रस्ताव पर लात मारने के बाद मदरसा मुल्क में यह मातम शुरू हो गया है कि नई दिल्ली ने मास्को पर दबाव डालकर इस डील को विफल किया है। यूं भी इस बहाने शहबाज सरकार की इज्जत बचाई जा सकती है, वरना इमरान खान खुलिया लेकर तैयार खड़े हैं। धूर्त मुल्ला पॉलिसी की लाज बचाने का प्रमुख पैतरा यही है कि यह सारा दोष भारत पर मढ़ दिया जाए, फिर जाहिलों की इज्जत और तैमन दोनों बचे रह जाएंगे। अगर शहबाज शरीफ इस डील को अंजाम तक पहुंचा देते तो शायद आज मदरसा मुल्क गधैया नृत्य का रिकॉर्ड बना रहा होता, क्योंकि रूसी तेल खरीदने से एक तो पाकिस्तान को कम कीमत पर तेल मिल जाता जिससे वो महंगाई पर थोड़ा काबू पा सकता था, वहीं शहबाज सरकार रूसी तेल खरीदकर उसे अपनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बता सकती थी, क्योंकि उसे अमेरिका से इसकी अनुमति भी मिल गई थी। इसी हफ्ते व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि अगर पाकिस्तान रूस से तेल खरीदता है तो उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने रूसी तेल पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।
29 नवंबर को मास्को गया पाकिस्तानी अधिकारियों का दल, 3 दिन टाइम गुजारने के बाद वापस इस्लामाबाद लौट आया है। यह जाइल अपनी फजीहत होने के बाद अब इसके लिए भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। आरोप लगाया गया कि रूस के करीबी देश ने यह डील नहीं होने दी है और उसने रूस को धमकी दी थी कि अगर मास्को द्वारा इस्लामाबाद को तेल बेचा गया तो वह रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि मदरसा पैदा इसके इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की गिनती भिखारी और कमजोर देशों में होती है, जबकि रूस पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उसके पहले लिस्ट के ग्राहक देशों में उसके सबसे विश्वसनीय और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जिसे वह डिस्काउंट में तेल ऑफर कर सकता है। जबकि पाकिस्तान एक धोखेबाज देश होने के साथ पूरी तरह कंगाल है, जो रूस की लिस्ट में शामिल होने की शर्त पूरी नहीं करता है। यानी पड़ोसी पाकिस्तान अपनी बेइज्जती छुपाने और विफल धूर्तमुल्ला पॉलिसी पर पर्दा डालने के लिए भारत को बीच में घसीट रहा है, ताकि देश की घरेलू राजनीति में सरकार की तस्वीर पिटने से बचाई जा सके। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।